नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटॉमिक इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों जो कि आज न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। 4 मार्च के बाद ये सेकंड न्यूज है। 4 मार्च को लेटेस्ट अपडेट हुआ था कि एटॉमी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि एटॉमी जो लॉन्च है उसका प्लान है Q2 का, यानी कि 4 मार्च को इन्होंने अनाउंस किया था कि Q2 में हम लॉन्च करेंगे। Q2 का मतलब होता है अप्रैल से जून 2020। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च के एंड में शायद एटॉमी की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आए, एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो काफ़ी सही एक्सपेक्टेशन रहा हमारा। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एटॉमी इंडिया का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे हम सब लोग ऑफिशियली बाई करेंगे, वो वेबसाइट अभी 25 मार्च को लॉन्च होने जा रही है। जैसा कि अभी 2.5 साल से जो रजिस्ट्रेशन था वो एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट पे हो रहा था, तो जितने भी एटॉमिक के कंज्यूमर्स हैं तो उन सब का जो डाटा है वो एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट से एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पे माइग्रेट किया जाएगा। 25 मार्च से स्टार्ट होगी प्रोसेस, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम एटॉमिक कोरिया वेबसाइट टू एटॉमिक इंडिया वेबसाइट, तो काफ़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो 25 मार्च को लॉन्च हो रही है। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने एटॉमिक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और एटॉमिक का इंडिया को लेकर के बहुत बड़ा प्लान है। अगर आपको एटॉमिक का जो मेगा प्लान जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए आप और लेटेस्ट वीडियो देखिए, एटॉमिक मेगा प्लान फॉर इंडिया। क्योंकि 2.5 साल से कोई भी कंपनी आ रही है इंडिया में, और ये एटॉमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका लॉन्चिंग का जो प्लान था वो बहुत ही आकर्षक है, और पूरी तरीके से हर चीज़ इन्होंने प्लान करके किया है अभी तक, ठीक है। तो 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई थी, और आज की न्यूज़ के बाद जो लीडर्स ये बोल रहे थे कि ये तो लॉन्च होगी नहीं, तो उन लीडरों को भी ये अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो जो नए लीडर्स हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है एटॉमी, अगर आप एटॉमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का नाम ही काफ़ी है इंडिया में, बस मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। आपको टीम वॉरियर के एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आपके अपलाइन और आपका टीम का जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, आपको किस तरीके की एटॉमिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है आपके अपलाइन के द्वारा और आपके डाउनलाइन में। अगर आपके अपलाइन ने एजुकेशन आपको अच्छी दी है तो आपकी टीम ग्रोथ करेगी, सीधी सी बात है, डेफिनेटली। और टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का नाम ही काफ़ी है, तो इसके बारे में मेरे को बड़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे जो न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन कंज्यूमर मेंबरशिप फॉर एटॉमी कोरिया टू एटॉमी इंडिया वेबसाइट। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि ऑफिशियल न्यूज़ है। जितने भी यूजर्स थे अभी तक जिसका एटॉमी में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो एटॉमी इंडिया के जितने भी कंज्यूमर मेंबर है उनका रजिस्ट्रेशन एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट पे हो रहा था। तो अभी जैसी स्ट्रक्चर आपने बना रखी है, ये पॉइंट आप याद रखिए, जिस तरह की स्ट्रक्चर आपने बना रखी है, टीम बना रखी है, आपकी टीम वैसी की वैसी पूरी की पूरी माइग्रेट होने जा रही है एटॉमिक इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 मार्च से, ठीक है। और टाइम रहेगा 10 बजे सुबह, और कोरियन टाइम रहेगा 1:30 बजे, 13:30 PM, ठीक है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है या नहीं हुआ है, तो एग्जिस्टिंग जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनका एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट स्टार्ट होगी 25 मार्च को, टाइम दे रखा है 10 बजे सुबह। और जो न्यू मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन विल बी स्टॉप्ड, और अभी नए मेंबर्स का जो रजिस्ट्रेशन है एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट पे बंद कर दिया गया है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एज पर लेटेस्ट अपडेट, एटॉमिक इंडिया के जो नए मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स एटॉमिक ज्वाइन करना चाहते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन मेंबर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो कोरियन वेबसाइट पे हो रहा था, तो वो कोरियन वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी बंद कर दिया गया है, ठीक है। और नए मेंबर्स का जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो इंडियन वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन होगा। अभी जितने भी नए यूजर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि नए मेंबर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो एटॉमिक इंडिया, मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पे होगा, ना कि कोरिया की वेबसाइट पे। कोरिया की वेबसाइट पे अभी तक जो हो रहा था वो बंद कर दिया है, और इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, आपको अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो तभी तक आप अपनी आईडी वगैरह होल्ड करके रखिए सभी। सेकेंड पॉइंट है, एटॉमिक इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी 18। हाँ, सेकेंड है कि 18 साल जैसे इंडिया में हो जाता है तो यहाँ पे आपको वोट का अधिकार मिल जाता है, आप अपनी वोटर आईडी बनवा सकते हैं। जैसा कि हमने, काफ़ी मेंबर्स ने अप्रोच किया था एटॉमिक इंडिया ऑफिस को कि इंडिया में जो मिनिमम 18 साल है वोटर आईडी,
तो जो वयस्क यंग जो जनरेशन मानी जाती है वो 18 से मानी जाती है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग टू इंडियन लीगल लॉ तो एटोमी ने बोला था कि हाँ हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, और एज जो है वो कोरियन वेबसाइट पे 21 साल थी। अभी एटोमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपकी एज 18 साल हो गई है, 18 ईयर्स हो गई है, तो आप एटोमी के मेंबर बन सकते हो। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों, एज जो है अगर आपके किसी भी मेंबर की एज 18 साल है तो वो एटोमी इंडिया ज्वाइन कर सकता है। अप्रैल में जैसे ही एटोमी पर रजिस्ट्रेशन ओपन होगा इंडिया की वेबसाइट पे, तब आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 21 साल की एज है तो वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वहाँ के स्टेट का लॉ है ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा बाद में। थर्ड है, आफ्टर लॉग इन एटोमी इंडिया वेबसाइट इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू कंप्लीट दिस स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस मेंशन बिलो। जब आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट में लॉग इन करोगे तो आपको कुछ प्रोसेस दी हुई होगी, वो पूरी करनी है। लॉग इन करने के बाद कुछ प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को पूरी करनी है। और वो क्या प्रोसेस, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये होगा, जैसे आप नई वेबसाइट के अंदर लॉग इन करोगे तब, कोरियन वेबसाइट में नहीं, एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे, ठीक है। मैं बार बार एक एक चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस और क्वेरी यहीं पे किल हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है वॉच द एटोमी ओरिएंटेशन वीडियो। सबसे पहले तो आपको एटोमी का वीडियो देखना है, जैसे ही लॉग इन करोगे आप वीडियो देखना, उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे कि क्या क्या एटोमी इंडिया की नई वेबसाइट में आपको अपडेट करना है, ठीक है। सेकेंड है, गिव कंसेंट टू डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। उसके बाद अभी तक जो भी आपकी आईडी थी वो एज ए कंज्यूमर मेंबर थी, और अब आपकी जो आईडी है एज ए सेलर, डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, यानी कि आप ऑनलाइन उसमें परचेज करोगे, ठीक है, तो आपको एक सेलर एग्रीमेंट वहाँ पे एग्री करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कंपनसेशन प्लान। जो कंपनसेशन प्लान कंपनी दे रही है उसको आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के एग्री करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल का मतलब ये है दोस्तों, एटोमी एक बहुत ही साफ सुथरी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके बारे में ब्याह करने में, आप खुद फील करोगे, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एटोमी के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बराबर पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है। तो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि इसके कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है, एंड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लीगल रूल्स। अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पाए गए तो आपकी आईडी यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट टर्मिनेट कर देती है, छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी की कोई भी इसके रूल के खिलाफ। जैसा कि वियतनाम में एटोमी डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर, सेल्स मास्टर तक की आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, एटोमी वियतनाम आईडी डिलीशन के नाम से है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप जो एटोमी इंडिया ऑफिस ने जो गाइडलाइन बनाई है इंडिया के लिए, रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। अभी तक आपने किसी भी कंपनी में काम किया हो पास्ट में, मैक्सिमम कंपनियों में कैसे काम होता है मेरे को उसके बारे में कुछ बोलने का वो अधिकार नहीं है। जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस था आप उसको वहीं पर रखिए, यहाँ पर कैसे आपको काम करना है, ठीक है, और यहाँ पर कैसे आपको सबसे पहले एटोमियंस बनना है। एटोमियंस बनने के लिए आपको एटोमी के कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। अगर आज तक आपने किसी दूसरी कंपनी में फॉलो नहीं की है तो यहाँ पे तो आपको 100% फॉलो करनी होगी, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो जो भी ऑफिशियल एडवाइस जारी की जाती है एटोमी की तरफ से उसको आप फॉलो कीजिए इमीडिएट इफेक्ट से, जैसा कि आज से हम फॉलो कर रहे हैं। एटोमी ने अभी लेटेस्ट बोला था कि एटोमी का लोगो यूज़ नहीं करना, एटोमी का लोगो, तो लोगो भी हमने अपने वॉलपेपर है इसमें आप देख रहे होंगे, हमने कोई भी लोगो नहीं लगाया एटोमी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, चूज एनी वन ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द सेम आधार कार्ड। आपने जैसे कि पहले नवंबर से, अक्टूबर से पहले चल रहा था कि पैन कार्ड या आधार कार्ड से आईडी लग रही थी, किसी ने पैन कार्ड से लगा दी, किसी ने आधार कार्ड से लगा दी। जिसने आधार कार्ड से आईडी प्लेस की उसने पैन कार्ड अपलोड नहीं किया, और जिसने पैन कार्ड से आईडी लगाई उसने आधार कार्ड अपलोड नहीं किया। तो दोनों तरीके में आपको पहले आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक या पासपोर्ट का फ्रंट और बैक, वोटर आईडी का फ्रंट और बैक या ड्राइविंग लाइसेंस।
ठीक है, और ऑटो अपडेशन ऑफ आधार कार्ड वेरिफिकेशन विल बी इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेक्टेड फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। अप्रैल के पहले वीक में एटोमी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड नंबर का वेरिफिकेशन भी करेगी इसमें। ठीक है, ऑटो आधार एड्रेस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया उसमें की जाएगी, जैसा कि पैन कार्ड की प्रक्रिया की गई है अभी। ठीक है, जैसा कि आपका पैन कार्ड का जो डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से थर्ड पार्टी के थ्रू एटोमी वेरीफाई करवाती है 5 सेकंड के अंदर अंदर। काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, सेम तरीके से ये कुछ नया लेकर के आ रहे हैं कि आपका आधार कार्ड का नंबर डालते ही आपका आधार कार्ड भी ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से वेरीफाई होने के बाद। तो इस तरीके की कुछ नई चीज़ें आएंगी, अभी मेरे को पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो इसमें लिख रखा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑटो आधार एड्रेस वेरिफिकेशन विल बी इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। 4 नंबर का जो स्टेप है, गिव कंसेंट ऑफ फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट यहाँ पे 100% जमा करना है, नहीं किया तो आईडी वेरीफाई नहीं होगी। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है पैन नंबर अपडेट एंड वेरीफिकेशन। पैन नंबर अपडेट एंड वेरिफिकेशन, जिसने पहले पैन कार्ड अपलोड नहीं किया तो उसका ऑटो पैन कार्ड वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। जैसे 14 नवंबर 2019 से पहले की जो आईडियाँ हैं, 14 नवंबर 2019 के बाद की आईडियों में पैन कार्ड वेरिफिकेशन हुआ है 100%, उससे पहले की जितनी भी आईडियाँ हैं जिसमें पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई भी करवाना है। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो दोस्तों ये पैन कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो TDS है, टैक्सेशन सिस्टम है, एटोमी किस प्रकार का रखती है, ये उससे रिलेटेड मामला है। ठीक है, तो पैन कार्ड बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपको जो भी पेमेंट मिलेगी वो टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल, टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी वो रूल एंड रेगुलेशन के अंडर ये बोल रहे हैं कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको करना है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड बनवा लो, अभी आपके टाइम है। ठीक है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। नंबर 4 पे देखिए आप, मेंबर्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल स्टेप्स इन मेंशन इन पॉइंट नंबर 3। जिस मेंबर ने पॉइंट नंबर 3 में ये 5 स्टेप दिए गए हैं, जिसने कंप्लीट कर लिए हैं 5 स्टेप, उसकी आईडी वेरीफाई मानी जाएगी एंड कंफर्म बाय एटोमी मेंबर्स विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एटोमी इंडिया। अब वो मेंबर्स 100% कंफर्म हो जाएंगे कि एटोमी के मेंबर्स हैं और उनका नाम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एटोमी इंडिया की लिस्ट में आ जाएगा एंड देयर मेंबरशिप नंबर विल बी कॉल्ड एज, और उनका जो मेंबरशिप नंबर है जिसको अभी तक आप यूजर आईडी बोल रहे थे उसको कॉल्ड एज एटोमी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ADN, एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, स्टार स्टार करके मार्क किया गया है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर एंड मेंबरशिप नंबर आर सेम। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आप बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो वो मत कीजिए किसी को। मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ADN क्या है, ADN की फुल फॉर्म है एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। अभी तक जो आप मेंबर आईडी बोलते हो, यूज़र आईडी बोल रहे हो, ठीक है, तो एटोमी का मेंबर आईडी, यूज़र आईडी, उसको अभी बोला जाएगा एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। बस उसका नाम चेंज किया है, मेंबरशिप आईडी का नाम चेंज कर दिया है एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। वो एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर तभी माना जाएगा जब आप सारे के सारे वेरिफिकेशन आप कर लोगे एटोमी की साइट पे जाकर के, ये 5 स्टेप कंप्लीट कर लोगे, तब आपको वो ADN नंबर आपका माना जाएगा ओरिजिनली एटोमी इंडिया की तरफ से। ठीक है, लास्ट स्टेप है, डिस्ट्रीब्यूटर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एटोमी वेबसाइट इंक्लूडिंग अदर सब्सिडरीज अनटिल द माइग्रेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड फॉर एटोमी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एटोमी की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप जैसे अभी शॉपिंग मॉल देखते हो, अपना टी स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ भी देखते हो, CH.atomy में इसका वीडियोज़ हैं वो देखते हो, PPT देखते हो, प्लान देखते हो, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वेबिनार सेमिनार सारी चीज़ें देखते हो, वो तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप अपना वेरिफिकेशन नहीं कर लोगे और आपका जो मेंबरशिप आईडी है उसका नाम ADN ना हो जाए, एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। ठीक है, तो तब तक, जब तक आप अपनी आईडी वेरीफाई नहीं करवा लोगे पूरी तरीके से, तब तक आप एटोमी की वेबसाइट के अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको दोस्तों 100% पसंद आई होगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हमने इसमें स्लाइड में दिखा रखा कि एज 18 साल हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, 18 साल की एज हो गई है। ठीक है, ये हिंदी में बना रखा है किसी ने। ठीक है, एटोमी कोरिया वेबसाइट से भारतीय नागरिक सदस्यता का एटोमी वेबसाइट पर माइग्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अभी तक, जैसा कि कोई भी नई कंपनी आती है तो उसके कुछ प्लान्स होते हैं, उस प्लान्स के अंदर वो काम करती है। अभी एटोमी इंडिया के जो लेटेस्ट अपडेट है, 10 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं उसके,
यानी कि 1 मिलियन मेंबरशिप क्रॉस कर चुके हैं। जो कंपनी लॉन्च होने से पहले 10 लाख मेंबर्स कंप्लीट कर सकती है दोस्तों, लॉन्च होने के बाद कितना बड़ा काम करेगी वो आप सोच सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा काम करेगी दोस्तों। और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, 3rd जनरेशन तक अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसको मिस मत कीजिए अगर आप नए हैं तो। ये स्टेट वाइज लिस्ट दे रखी है एटोमी इंडिया ने लेटेस्ट, कि किस स्टेट में कितने उसके मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए हैं अभी, ठीक है। और ये लेटेस्ट है, 2016 में 77 मेंबर्स थे, 2017 में 10,000 मेंबर्स थे, 2018 में 28,000 मेंबर हुए, 2019 में रिकॉर्ड है 7,56,000 मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन हुए, और 2020 में तो अभी पहला क्वार्टर ही हुआ है दोस्तों, 3 महीने में 3 लाख के आसपास मेंबर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अभी तो 3 क्वार्टर बाकी हैं दोस्तों, 2nd, 3rd एंड 4th, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 महीने में 3 लाख, ठीक है ना। और अगले 9 महीने में कितने होंगे आप, ठीक है, 20 लाख अप्रोक्सीमेट। तो हम मान के चल सकते हैं कि दिसंबर तक एटोमी के जो मेंबर है कम से कम 25 लाख से ज़्यादा मेंबर होंगे एज पर करंट रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड तो तब है जब तक आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हर्बल प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट हैं। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो दोस्तों मेंबरशिप 25 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएगी दिसंबर एंड तक, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। अगर आप नए हैं तो भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों, टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कीजिए आप। और एटोमी बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है Q2 April-June 2020 में, तो दोस्तों देर मत कीजिए, अभी टाइम है एटोमी ज्वाइन करने का। अगर आप नए हैं, अगर आपने टीम नहीं बनाई है तो टीम बनाइए दोस्तों, और एटोमी में बहुत ही सुनहरा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एटोमी से रिलेटेड आपको लेटेस्ट ग्लोबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच।